आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 17वां अध्याय वचन 1 से 10। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के घराने से यह पहेली और दृष्टांत कह। प्रभु यहोवा यों कहता है, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उकाब पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। वह उगकर छोटी फैलने वाली अंगूर की लता हो गई, जिसकी डालियां उसकी ओर झुकी और उसकी जड़ उसके नीचे फैली। इस प्रकार से वह अंगूर की लता होकर कनखा फोड़ने और पत्तों से भरने लगी। फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। परंतु वह तो इसलिए अच्छी भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि कनखाएं फोड़े और फले और उत्तम अंगूर की लता बने। इसलिए तो यह कह, प्रभु यहोवा यों पूछता है, क्या वह फूले फलेगी? क्या वह उसको जड़ से न उखाड़ेगा और उसके फलों को न झाड़ डालेगा कि वह अपनी सब हरी नई पत्तियों समेत सूख जाए? इसे जड़ से उखाड़ने के लिए अधिक बल और बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता न होगी। चाहे वह लगी भी रहे तो भी क्या वह फूले फलेगी? जब पुरवाई उसे लगे तब क्या वह बिल्कुल सूख न जाएगी? वह तो जहां उगी है उसी क्यारी में सूख जाएगी।